तो इस वीडियो में लॉजिक ऑपरेशन, ये हमारी थर्ड वीडियो इंस्ट्रक्शन सेट पे। अब इजी है, लॉजिक ऑपरेशंस काफ़ी इजी हैं। तो ये है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सओर ऑपरेशन, यानी कि जो गेट्स हुआ करती थी, और ये सब चिन्नू मिन्नू थोड़े ठीक है यूज़फुल है, बट इजी है, स्कोरिंग है समझने के लिए। सो एंड गेट से हम शुरुआत करते हैं। तो एंड गेट होती है ए बी और एक आउटपुट। सो ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो, ज़ीरो वन का ज़ीरो, 10 का 0, 11 का 1। ये तो पता है भाई, ये तो बोलना ही नहीं कि नहीं पता है। तो अब यहाँ पर हम नोट क्या कर रहे हैं, इधर क्यों बनाई, ये तो अब करना है तो ठीक है, बट बनाई क्यों। सो मैं देखता हूँ अब बाइनरी में नंबर कितने डाल सकता हूँ। मैं नंबर डाल सकता हूँ दो, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पर मैं कोई भी वर्ड यूज़ करूँगा, ये कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है, बट मुझे ईजी लगता है। मैं कोई भी वर्ड, यानी कि अभी कोई भी, यानी कि 0 हो या 1 हो। तो मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं कोई भी नंबर यूज़ करूं जिसके अंदर 0 और 1 ही आ सकता है, अगर कोई भी नंबर 0 के साथ एंड करूं तो आंसर क्या मिल रहा है, 0। तो एंड के एंड गेट में अगर मैं कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कर रहा हूं तो आंसर क्या मिल रहा है, 0। और अगर कोई भी नंबर 1 के साथ एंड कर रहा हूं तो मुझे वही सेम नंबर मिल रहा है। समझ में आ रही है, अगर वही सेम नंबर 1 के साथ कर रहा हूँ तो मिल रहा है मुझे वही सेम नंबर। तो अब मैं एक नंबर देता हूँ, सपोज 1011001011। मैं बोलता हूँ एग्जामिनर है, हाँ वाइवा क्वेश्चन, लोअर निबल को 0 करो, हायर निबल को हाथ भी मत लगाओ, लोअर निबल को 0 करो, क्या करोगे, 0 के साथ एंड, उनको 1 ही रखना है तो 1 के साथ एंड, और ये सब 0 हो जाएगा, और ये तो वही अगेन मिलेगा, हो गया सर फुल मार्क्स। समझ में आ रही है बात। सो ये यूज़ होता है एंड गेट का। सो ए एन ए, मैंने बताया पिछले वीडियो में, ऑपरेंड ए फिक्स है, दूसरा क्या ले रहे हैं वो मैटर करता है। तो ए एन ए एंड, यानी कि उप्स कौन सा बटन चालू हो गया, ए एन एंड ए विथ बी, यानी कि ए में जो नंबर है वो बी के साथ एंड हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगी जो ए में स्टोर होती है। एंड ए विथ एम, पिछली वीडियो में एम का डिस्कस किया है, मैं फास्ट जाऊंगा नो डाउट, मतलब जो मेमोरी लोकेशन में पड़ा है उसके साथ एंड हो। एंड ए इमीडिएटली विद 25H, तो 25H को कैसा लिखते हैं, 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, जो हो जाता है 8421। तो याद क्या रखो, 8421 याद रखो, क्या याद रखो, 8421। अभी मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो हो जाएगा 0010, क्योंकि 2 यहाँ पर ही है। 5 चाहिए तो 4+1, यानी कि 0101। सो 25 को एंड करो जो अक्यूमुलेटर में है उसके साथ। आई होप समझ में आया होगा। अब अगली गेट्स देखते हैं। और गेट, और गेट कैसी होती है, 00 01 10 11, हर जगह और ही मिलता है, ठीक है। ये होगा सपोज ए बी वाई, कोई भी नंबर 0 के साथ करो, और गेट में कोई भी नंबर अगर 0 के साथ कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, वही नंबर अगेन 0 और 1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज इट इज। कोई भी नंबर 1 के साथ करो तो क्या मिल रहा है, सेम नंबर, यानी सेम नंबर नहीं, सॉरी 1 मिल रहा है, समझ में आ रहा है, 0 1 1। सो 1 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, 1। एग्जामिनर बोल रहा है, ये नंबर दे रहा है कुछ भी, 0 1 0 1 1 0 1 0, बोलता है इसको 1 बनाओ बाकी सब एज इट इज़ रहने दो, इसको 1 बनाओ बाकी सब एज इट इज़ रहने दो। अच्छा, इसको 1 बनाना है, और करोगे 1 के साथ आंसर और ही आएगा। लॉजिकली भी सोचो, और के टेबल में अगर एक भी 1 है तो आंसर और ही आता है, देखो ना, एक भी 1 है तो आंसर और ही आता है। इसको वैसा ही रखो, अच्छा तो इसको फिर 0 के साथ और करो, तो वो जैसा था वैसे ही आएगा, और ये सब 1111 हो जाए। समझ में आ रहा है। सो ये था इसका। तो अगर किसी चीज़ को अभी सपोज एग्जामिनर ऐसा दे, चलो वो इसके बात करते हैं साथ ही में, तो और ए विथ बी और ए विथ एम और इमीडिएटली विथ नंबर 25। अब आ जाते हैं थर्ड गेट पे, जो कि है एक्सोर गेट। 0101 10 11, आंसर आता है यहाँ भी, यहाँ एक्सोर गेट तो यहाँ आंसर आता है 1, रेस्ट आंसर आता है 0। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ
अगर किसी नंबर का एग्जॉर कर रहा हूँ जीरो के साथ तो मुझे वही नंबर मिल रहा है वापस, राइट, जीरो और वन ही वापस मिल रहा है। तो अगर किसी नंबर का एग्जॉर जीरो के साथ करूँगा तो मुझे वही नंबर वापस मिलेगा, सो जीरो के साथ एज इट इज। अगर वन के साथ कर रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, जीरो के जगह वन हो जा रहा है, वन के जगह जीरो, सो वन के साथ कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट, ये थे आपके सारे लॉजिकल ऑपरेशन लगभग लगभग। कैसे? अब सपोज वाइवा क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अब मैंने ये सारा अंश लिख दिया है लॉग बुक का, लॉग ऑपरेशंस का। एग्जामिनर बोलता है ये कोई बिट्स हैं, कुछ भी होने दो, इस नंबर को ज़ीरो बनाओ, बाकी सब वैसा रहने दो। अच्छा, तो ये नंबर ज़ीरो रखो, बाकी सब वैसे ही रहने दो, यानी कि वन के साथ एंड करो इस नंबर को। तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ वन के साथ एंड होगी तो वो एज इट इज़ रहेगी और ज़ीरो वाली ज़ीरो। एग्जामिनर बोलता है इस बिट को वन करो, बाकी सबको ज़ीरो, तो अगेन और उसके साथ। एग्जामिनर बोलता है इन दो बिट्स का कॉम्प्लीमेंट करो, तो उनको वन के साथ यूज़ करो और बाकी सब ज़ीरो। तो आपको टूल्स मिल गए, समझ में आ रहा है, टूल्स आपके पास अब हैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के। सो ये है एग्जॉर, सेम एक रजिस्टर के साथ, एक मेमोरी लोकेशन और एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब आ जाते हैं थोड़े और पे, जिसमें से चलो ठीक है सीखते हैं, इजी है। अब ये आपके 8 बिट का नंबर है और ये है एक कैरी फ्लैग। सो RLC यानी कि रोटेट लेफ्ट और C से कैरी। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं बिंदास बता रहा हूँ, मैं कुछ शर्म नहीं कर रहा हूँ। कोई बोलता है रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, कोई बोलता है विदाउट कैरी, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो वो नाम आप देखो, नाम अपने इंस्ट्रक्शन अपने बुक में देखो कि क्या है कैसा है। कोई कहता है रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, अब थ्रू में यहाँ कैरी यहाँ कैरी नहीं, कैसा मतलब समझे। तो नाम आप अपने से देखो, मीनिंग यहाँ पर देखो, ओके। सो बिंदास बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अज्यूम करूँ, क्योंकि यूट्यूब है भाई, वीडियो हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाती है, तो अपने हिसाब से देखो होगा क्या वो बता रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर सेम ही रहेगा। सो ये है MSB, ये है LSB, रोटेट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ वाली बिट आ जाएगी यहाँ, यहाँ वाली यहाँ, यहाँ वाली यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ। अब ये वाली जो बिट है वो कैरी फ्लैग में भी जाएगी और घूमकर LSB में भी जाएगी। एग्जांपल के तौर पे 1011 0011, और यहाँ पर सपोज़ कुछ कैरी फ्लैग है, सपोज़ ज़ीरो है कैरी फ्लैग, कुछ भी होने दो। अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट ये वन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वन आ जाएगा, यहाँ पर ये ज़ीरो, यहाँ पर सब समझ में आ रहा है, सिर्फ लेफ्ट रोटेशन हो रहा है, कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये आ जाएगा ज़ीरो, वन कहाँ चला जाएगा, कैरी फ्लैग में भी और LSB में भी, यानी कि जो यहाँ का MSB है वो दो जगहों पर जाएगा। इसकी नेगेटिव पॉइंट है कि कैरी फ्लैग आपका उड़ जाएगा, अगर आपको ज़रूरी था तो वो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। रोटेट राइट विथ कैरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स और ये कैरी, अगेन वही सब चीज़ें होती रहेंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से ये कैरी में जाएगा और ये वापस आएगा, यानी कि इसमें LSB गोज़ टू कैरी एंड फॉर MSB। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, बस शिफ्ट हो रहा है और कैरी MSB दो जगह पर जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पर LSB दो जगह पर जा रहा है, तो इसमें कैरी प्रिजर्व नहीं है। अगर मुझे कैरी प्रिजर्व कराना है तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए आ जाते हैं ये राइट रोटेट अर्थमेटिक लेफ्ट, रोटेट अर्थमेटिक राइट। सो इनमें 9 बिट हो जाती हैं, कितनी बिट, 9 बिट। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग भी साथ में घूमता रहेगा, समझ में आ रहा है, कैरी फ्लैग भी साथ में घूमता रहेगा। सो ये बिट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वो सब अगेन जो भी है। अब ये बिट आ जाएगी यहाँ और कैरी फ्लैग चला जाएगा यहाँ पर, समझ में आया, कैरी फ्लैग कहाँ चला जाएगा, वहाँ पर। तो बिट्स कितने हो गए, 9। तो ये था रोटेट लेफ्ट, उसी तरीके से क्या होगा अगेन रोटेट राइट में, समझ में आ रहा है, कैरी फ्लैग इसमें प्रिजर्व रहेगा क्योंकि कैरी घूम ही रहा है ना। अभी सपोज किसी ने दो बार रोटेट लेफ्ट किया,
सपोज आप कुछ काम कर रहे थे, अचानक कोई बच्चा आया मस्ती मस्ती में दो बार लेफ्ट रोटेट ये RAL करके चला गया, तो पहले क्या, अरे पूरा मेरा कैरी फ्लैग गया सत्यानाश, क्योंकि पहले वाले में कैरी फ्लैग चला गया तो गया, इसमें क्या, अच्छा ठीक है ना रोटेट लेफ्ट किया है, मैं दो बार रोटेट राइट कर देता हूँ तो कैरी फ्लैग जहाँ था वापस आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कैरी फ्लैग चाहिए तो ये दो ऑपरेशन, ये इन दोनों में बेसिकली 9 बिट के जैसे काम होता है। सो अब बचा कंपेयर बी और कंपेयर इमीडिएटली। कंपेयर दो चीजों को ए और बी, कौन सा बड़ा है दोनों में से, कैसे पता चलेगा? दोनों को माइनस कर दो, अगर ए माइनस बी का आंसर पॉजिटिव आता है तो ए बड़ा, नेगेटिव आता है तो बी बड़ा, जीरो आता है तो दोनों इक्वल। तो अब यहाँ पर हम कुछ सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, कंपेयर बी लिखा मैंने, तो यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा। सो ए माइनस बी, तो अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और यहाँ तो हो सकता है ए इज इक्वल टू बी, या फिर ये बड़ा हो सकता है इससे, तो ऐसे सिचुएशंस होंगी। अगर ए बड़ा है बी से, ए इज इक्वल टू बी, तो आंसर आएगा जीरो, तो जीरो फ्लैग हो जाएगा 1 और कैरी फ्लैग हो जाएगा 0। और रेस्ट केस में जीरो फ्लैग तो 1 होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर 0 तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और बाकी कैरी फ्लैग अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। समझ में आ रही है बात? सो दैट्स इट। कंपेयर बी मतलब इसमें रिजल्ट स्टोर नहीं होगी, सबट्रैक्ट बी में रिजल्ट अक्यूमुलेटर में स्टोर होती है, इसमें कंपेयर बी में सिर्फ फ्लैग्स 0 या 1 होंगे, फ्लैग्स 0 या 1 होंगे रिजल्ट के अकॉर्डिंग, बट रिजल्ट स्टोर नहीं होगी। कंपेयर आई, आई क्या है, डेटा इमीडिएटली विद 25H, 25 से इमीडिएटली कंपेयर करो, दैट्स इट। मतलब 25 से माइनस करो, जो अक्यूमुलेटर में है उसको 25 से माइनस करो, तो वो कंपैरिजन हो जाएगा। सो प्रोसीजर ऐसा है एक फ्लैग्स चेक करने। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। 51 इंस्ट्रक्शंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।